अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले आप ये ऐड देखें टिकटॉक पे और फिर इनकी वेबसाइट भी आप देखें। गिम्बल्स देखने में तो बहुत आउट क्लास लग रहा था और मैं ये गिम्बल्स देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि जो ओरिजिनल मोजा मिनी का गिम्बल है वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है और मैंने कहा यार ये तो बहुत रीज़नेबल है तो लेट्स परचेज़ इट। तो मैंने गलती से आर्डर प्लेस कर दिया। तो एड्रेस जो मैंने दिया था वो अपनी भाई की शॉप का था, ब्लू एरिया का था। तो जब वो मैं तो इसको ऑर्डर करके भूल गया और जब ये ऑर्डर मुझे पता चला कि कोई डिलीवरी आई है तो खैर भाई ने तो उसको लेकर पैसे दे दिए। अब जब गिम्बल मैंने ओपन किया, इसको ऑर्डर को ओपन किया तो उसमें से अब ये देखें ये क्या कैसा गिम्बल निकला है जो कि 100 रुपये का भी वर्थ नहीं करता। तो खैर ये मुझे तो नुकसान हुआ। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस साइट से अवेयर रहें। और एक बात और भी, इन्होंने अपने कमेंट सेक्शन भी जो है डिसेबल किए हुए हैं। मेरे से गलती हुई, मैंने इनका कमेंट सेक्शन को तवज्जो नहीं दी, लेकिन मेरी तरह और लोग भी जो है बेवकूफ़ बन सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये चाहता हूँ कि ये लोगों तक इसको पहुँचा दिया जाए ताकि किसी और का नुकसान ना हो। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ इस तरह ऑनलाइन परचेजिंग में ऐसा धोखा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर इन स्पैमर्स और फेकर्स को कमेंट करें और इनके लिंक्स भी शेयर करें, पिक्चर्स भी शेयर करें ताकि लोग उनसे मोहतात रह सकें। वैसे देखा जाए तो दुनिया ऑनलाइन परचेजिंग में, शॉपिंग में बहुत आगे निकल गई है और हमारा पाकिस्तान इन्हीं लोगों की वजह से जो है ना हम ऑनलाइन शॉपिंग में अभी तक तरक्की नहीं कर पा रहे। तो खैर पैसे तो वो ले लेते हैं, एक दफ़ा धोखा देते हैं, ना ये लॉन्ग टर्म इन्होंने बिज़नेस करना है ना चलेगा इनका। और वैसे भी दो नंबर तरीके से पैसा कमाया हुआ जो है फ़ायदा तो इनको देगा नहीं। लेकिन बस इतना कि सब लोग इन चीज़ों से मोहतात रहें। और अगर आप लोग भी ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो एक तो बहुत एहतियात से परचेज़ करें चीज़, उसका पूरा रिकॉर्ड रखें अपने मोबाइल के अंदर भी और पूरा उसका कमेंट सेक्शन और रिव्यूज़ देखा करें, तब आप चीज़ परचेज़ किया करें। और सेकेंडली, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो खुदारा लोगों को धोखा ना दीजिएगा, उसका आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी पाकिस्तानियों पे इसीलिए कोई ट्रस्ट भी नहीं करता। तो आई एम रियली सॉरी टू से दिस बट एनी हाउ ये चीज़ें तो फिर चलती हैं वक्त के साथ। तो ये वीडियो जस्ट अवेयरनेस के लिए थी लोगों की। तो आई होप कि आप जो है इन स्पैम से मोहतात रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।